بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر ولا تعسر، ربي تسر من الخير وبك نستعين، يا فتاح يا فتاح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. आज हमारे सामने जो आप लोगों के मशकों में से एक मशक है वो इस ताहिरा की है। माशा अल्लाह, बहुत खूब। इसको थोड़ा सा जल्दी लेके जाना है, यहाँ थोड़ा सा फासला ज्यादा हो गया, इसको मजीद लेटाएं, इस तरफ लेके जाएं और ये जगह मोटी हो गई बहुत ज्यादा, जबकि जीन को इसके बराबर आना चाहिए। दाल को थोड़ा सा यहाँ नोक ना निकले, नरमी के साथ तिरछा जाए हल्का सा, और ये वाला हिस्सा अच्छा है, ये अच्छा है, इसको थोड़ा सा यहाँ लेके फिर ये बनाएं जैसे ये बनाया, और इसको मजीद लंबा करें। ये अच्छा बनाया आपने, इंशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छा बनाया। इस हिस्से को यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर दिया, यानी छोटा लेके आए आपने, इसको बहुत ऐसे बड़ा कर दिया तो ये ना हो। बाकी ये बहुत अलिफ देर बा कर जो दिया। बा के बाद अलिफ पांच में कात का आएगा। सॉरी सर बा अलिफ जो है उसमें जब हम बा कंप्लीट लिख लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर उसके बराबर जाके फिर उसके बा के ऊपर अलिफ फिर से चार या पांच में कात का आएगा। जी 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 सर। ये इसको थोड़ा सा सीधा करें, ये बहुत ज्यादा इधर चला गया, ऐसे लेके आना था इसको, और बाकी अच्छे स्ट्रोक्स हैं, बस यहाँ पर ये जो नोक निकल रही है और जिम का ये हिस्सा जो डबल हो रहा है इसको देखना है आपने, और ये जो हिस्सा ऊपर जा रहा है आपको बहुत ज्यादा, ये जी पॉइंट सर। आउट करूँगा और इसको इंशाल्लाह मैं कलम से मजीद वाजे करता हूँ। जी सर। बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। शुक्रिया सर। इस तस्नीम का काम हमारे सामने है जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यहाँ ये भी अच्छा है, थोड़ी सी इसमें गोलाई लेके आए, सीधा बना गया, अच्छा यहाँ नोक नहीं आएगी और ये मोटा मोटा हो गया, ये डबल हो जाता है। इसको मैं बताता हूँ कि डबल आप कैसे करते हैं आप लोग, जिम को थोड़ा सीधा करके लाएं, दाल बहुत पॉइंटेड और बहुत लंबा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करें, यहाँ से अच्छा है लेकिन यहाँ से लंबा हो गया, ये अच्छा है, इसको छोटा करें और तो आप बेहतर है। इस रॉ में झोल नहीं आया, थोड़ा सा झोल होना चाहिए, सीधा सीधा पन आ गया, रॉ अच्छा है। और पर ये मैंने नहीं बताया अभी, ये इसको पतला करना है, लेकिन बाकी काम आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बेहतरीन। अच्छा बस ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको पॉइंट आउट करें, मैं इनको कलम से भी बताता हूँ अभी। इस नजमा का काम है बहुत खूब माशाल्लाह, थोड़ा सा इसको सीधा रहे, ज्यादा घुमा देती है पहले वाले स्ट्रोक को, बहुत ज्यादा घुमा देती है, ज्यादा घुमा हुआ नहीं, इसका ख्याल करें। ठीक। बाकी ये भी ज्यादा ऊंचा हो गया, गोल गोल हो गया, इसको जरा सा तीखा स्ट्रोक, जरा शार्प स्ट्रोक आएगा इस,
गोल गोल हो गया ठीक और है, पूंछा फिर ज्यादा उसे छोटा, जोड़ना है। ठीक है हाँ, इसको जरा लिटा के लिखना है, यानी ऐसे ये लिटाना है। आपका जो स्ट्रोक हो गया वो हो गया ऐसे, ये ऐसे ऊपर ऊपर ज्यादा चले, और इसी तरह से ये वाला हिस्सा आपका बहुत बड़ा हो गया बा का, ये अच्छा है, इसमें सीधापन ज्यादा आ गया। झोल लेके आए जरा, उससे झोल सा होगा, और दाल को थोड़ा बा के करीब करें, यहाँ अंदर फासला ज्यादा हो गया आपका, बाकी दाल के साथ दाल ठीक बनाया है, और बाजीन भी बेहतर है, ये वाला बाजीन भी बेहतर है, जीन को थोड़ा सा और नीचे लाकर थोड़ा सा बड़ा बनाए, थोड़ा छोटा हो गया, बाकी ये स्ट्रोक्स अच्छे हैं आपके माशाल्लाह, नीचे ठीक, लाकर थैंक के भी। इन चीजों को देखें, बाकी इंशाल्लाह मैं कलम के जरिए से आपकी गलतियां और बताता हूँ। ठीक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक। अच्छा जी, इसके अलावा मिस्त्री का काम है बहुत खूब भाई माशाल्लाह। अच्छा है ये वाला, अच्छा है, अच्छा ये बेहतर है, अच्छा है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ जीम अच्छा है, यहाँ लंबे लंबे हो गए, बहुत ज्यादा गोल आके फौरन इधर हो गया, यहाँ ऊपर से ही गोल आ रही है, तो ये ज्यादा अच्छा है। बाल को थोड़ा सा और यहाँ से लेके आए, बहुत ऊंचा आ रहा है, और दाल में बा बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ से भी और अंदर से भी, बाकी ये अच्छा है, बार और अच्छा है, इसमें झोल भी अच्छा है, लेकिन रॉ को छोटा करें, इसको रॉ को छोटा करें, इसको रॉ को थोड़ा सा छोटा करें, और ये वाले रॉ को भी थोड़ा सा छोटा करें, लंबे हो गए, तीन तीन नुक्ते आ रहे हैं, आपने दो नुक्ते तो लगाए हैं लेकिन है उसमें तीन नुक्ते, तो जी सर, ठीक उसको जरा जी नोट करें। सर, सर मेरा आपने कर दिया अच्छा, बहुत तस्वीर अच्छा माशाल्लाह जी, आपका हो गया अच्छा, चेक। तो मैं देख लूँ। आपका थोड़ा दाल ज्यादा ऊंचा था, और यहाँ पर अगर ज्यादा ऊंचा था, इसके मसाइल हैं, इसका झोल नहीं बना, बाकी अच्छा है आपका, मैं छोटा करना है, तो इस पे मैंने दोबारा निशानदेही कर दी है, इसको देखिएगा। जी सर, ठीक। मिसेरम बहुत अच्छा काम था आपका माशाल्लाह, जारी रखिएगा। मिस आसिया का काम आया है, और ऊपर के हिस्से को जरा पॉइंट डिट करना है, काफ ऑफ काफ ऑफ, इसको थोड़ा सा बड़ा करें, लाम नीम को थोड़ा सा और इधर ला के बनाए, इसको थोड़ा सा बड़ा करें, वाओ को मोटा हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और बड़ा करें अंदर से, अच्छा है, इसको बड़ा करें, इस वाले हा को ठीक करें, या को यहाँ पतला करें, या को थोड़ा सा बड़ा करें, हमारे अच्छे हैं, बा को थोड़ा सा तंग करें, यहाँ पर फासले ज्यादा है, बा में यहाँ पर एक नुकता आना चाहिए, ये बेहतर है, बाजी अच्छा है, यहाँ पर डबल लाइन नजर आ रही है, जरा इसको भी देखना है, और बाद दाल दाल बहुत नीचे चला गया, ये बहुत अच्छा है, और आप बहुत बड़े बड़े गोल गोल अजीब से बन रहे हैं, ये रहा अच्छा है, हाँ अच्छा नहीं है, और इस पे तो बहुत काम करना है आपने, बारह पे बारह को आप मजीद मेहनत करें, इसमें बारह कमजोर है जी आपका। ठीक है सर, ठीक बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पिछली दफा शायद आपका काम नहीं आया था, सर। मेरे तो थोड़ा यहाँ अच्छा इंटरनेट है, का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं क्लास भी नहीं अटेंड कर सकी थी और सेंड भी नहीं कर सकी थी आपको। रियली चलो सॉरी कोई मसला फॉर दैट। नहीं, कोई मसला नहीं, अच्छा काम है, अच्छा काम है, बस मुस्तकिल मस जारी रखिए। जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मिस इकरा का काम आया है, बहुत अच्छे, पुरानी गलतियां आपने दुरुस्त की हैं, थोड़े ताप बड़े हो रहे हैं, छोटे करें, और दूसरा बा अच्छा है, ये ज्यादा ऊंचा चला जाता है, इस बा के दरमियान भी फासला कम है,
और बा जीम वगैरह बेहतर है, बा रॉ भी अच्छा है, ये वाला रॉ भी अच्छा है, ये दाल अच्छा है, रॉ बेहतर है, रॉ भी अच्छे हैं माशाल्लाह। यहाँ ये रॉ थोड़े बड़े हो गए हैं और यहाँ बहुत पतले हो गए हैं आखिर से, इसका ख्याल रखें। जीम यहाँ पर पतला हो गया, इसका ख्याल रखें, जी ठीक है इंशाल्लाह। बाकी अच्छा है, अच्छा काम है आपका। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने मश्क कम किया इस दफा। अच्छा नहीं सर, मश्क ज्यादा किया लेकिन छोटे कलम से ट्राई किया ना, इसलिए। चले, लिखें 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 लिखें, माशाल्लाह सही, अच्छा जा रही है। ये चीजें जो खुलेंगी आपको मश्क से खुलेंगी, सिर्फ और सिर्फ मश्क से। आपका दिमाग तो कबूल करता है कि जो मैं समझाता हूँ वो आपको समझ भी आता है, आप उस तरह निभाने की कोशिश भी करते हैं आप सब, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो इसका मतलब ये कि अभी टाइम है समझने में, करने में, समझ तो लिया है लेकिन अभी कर नहीं पा रहे। तो कर पाने के लिए हल क्या है? तो कर पाने के लिए हल जो है वो मश्क करना है, मश्क करना है, देख के, सोच के, कलम से। तो ये सारी ये मश्क होगी तो आपका काम फिर बिल्कुल परफेक्शन की तरफ जाएगा। अच्छा है, सर कुछ एक और अगर क्वेश्चन है, ये हम जी मश्क करते हैं तो उसके करने के बाद जो है लाइक कंटिन्यूअसली करने के बाद आपका कलम जो है आई थिंक उसका आगे से टिप हो जाती है, जैसे मैं जावी कलम यूज कर रही हूँ, तो सर उसको सही करने का मतलब किस तरह हम उसको ठीक कर सकते हैं? बिकॉज आपको पता है गिनती के दो तीन कलम्स होते हैं, अब वो मेरे कलम खराब हो गए, मुझे लग रहा है इसी वजह से वो शायद फ्लो नहीं आ रहा है और लाइक लेटर्स सही से बन नहीं पा रहे हैं। जैसे आईन है वो मुझसे बहुत ही मुश्किल हो जाती है, बनता ही नहीं है, इतनी मैंने प्रैक्टिस की है। तो एक तो उसके लिए है कि आपको अपने पास अच्छा खासा स्टॉक रखना है कलमों का। दूसरा, कोशिश करनी है कि कलम तराशना सीखें। इसके लिए आप कलम तराशने की मशक करें, क्योंकि आम तौर पर खवातीन का यही मसला है। दूसरा ये कि हमारे कोर्स में जो लोग शामिल होते हैं उनका भी ये होता है कि वो अक्सरियत ऐसी होती है जो पाकिस्तान से बाहर हुए होते हैं, तो उनको जी अच्छी कलम बिल्कुल मैसर नहीं आती, तो फिर सबसे बड़ा मसला ये होता है। तो उसके लिए जरा सर, कलम की मशक जैसे बेम्बू करूंगा। जी कलम जो ये हमारे पास होते हैं नॉर्मल वाले वो हैं, उनको तराशा भी, लेकिन उससे हुआ ये कि वो खराब हो गए, अब वो सही हो नहीं रहे, तो मैंने उसकी जगह जावी कलम यूज किए जो मेरे पास थे। अब वो उसको करने के बाद जो है आगे से टिप वो उसकी काफी वो हो गई है, थिक हो गई है, तो वो प्रॉब्लम इसी चीज में आ रहा है। और कलम यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है, हैं भी तो फिर वही हाँ, बेम्बू है, वो दो चार दफा में खराब हो जाते हैं, तो ये थोड़ा आप कहाँ रहते थोड़ा हैं? सा ही मसला है। दुबई में होते हैं सर। चलें, आपको लिंक भेज दूंगा, वहां से इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, बाकी जी अच्छा है भाई, माशाल्लाह मशीमना, दाल भी अच्छा है, रॉ भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा बनाया आपने। तो बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा ये फॉरन अचानक से ऊपर चला गया और ये थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है, तो थोड़े से गोलाई में ज्यादा है, जरा चुस्त कलम के साथ ये आएगा, इसको देखिएगा और इस पर थोड़ा सा मजीद कर्व में देखिए, ऐसे यूँ सीधा आ रहा है ना, तो कर्व में आएगा ऐसे, इसका ख्याल रखें। बाकी आपका काम अच्छा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जजाक अल्लाह सर। छोटे कलम से लिखे हैं, इस कलम का साइज क्या था? सर था 2 mm, लेकिन मुझे लगता है वो अब तक 2.5 हो गया था या शायद उससे भी बड़ा। सही, अच्छा जी, मुसाइमा असल का काम है, बहुत अच्छा है। जीम का अभी भी खत छोटा है, जीम के खत को लंबा करें, बाकी हरूफ अच्छे हैं, सीन ये वाला बेहतर है और ये सीन बराबर बराबर चल रहा है, स्वाद अच्छा है, आइन अच्छे हो गए हैं, बात छोटा है सर, आपका सर ठीक है, इस हिस्से को थोड़ा सा एक नुकता मजीद बढ़ाएं, जी सर, लाम मीम वगैरह बहुत अच्छे हैं, वाह हाँ ये अच्छा है, इसको थोड़ा सा और मोटा करें नीचे से, ये हाथ छोटे हैं आपके आखिरी दोनों, या ये वाला अच्छा है,
इसको थोड़ा सा आधे के बाद यहाँ से आपने उठाना शुरू किया, जबकि इसको यहाँ से उठाना शुरू करते हैं पहली लाइन से। तो सही। देखिए बाकी अच्छा है, ये मोटा हो गया, इधर को आ गया, नीचे की तरफ जाएगा तो फिर ये अच्छा बनेगा। अच्छा जी, बाकी ये अभी ज्यादा तिरछे बहुत ज्यादा हो गए हैं, बड़ा अच्छा बनाया है, बस ये के जिम थोड़ा सा लंबा हो गया। जिम के साइज पे गौर करें, दाल अच्छा है, ये वाला रॉ अच्छा है, ये भी अच्छा है, और जिम को मजीद सिर्फ उसका सर और उसका पेट जरा बराबर कीजिए, ताकि ठीक है सर। आपको बहुत अच्छी कोशिश की है। माशाल्लाह, ओके, काम ये भी अच्छी कोशिश है आपकी, माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो वो आपने ठीक लिखा था इसी है, मेथड, चलो ट्राई कर लेते हैं देख के लिखने के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रुप जा रहा है, मुझे खुशी हो रही है माशाल्लाह आप सबका काम देख के। और शुक्रिया मिस सर। महरीन का काम है, मिस महरीन ने भी छोटे काम से बहुत अच्छा निभाया है, इसमें झोल ज्यादा हो गया और ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बाकी अच्छा है, इसमें कलम हिल गया, सीधा सीधा हो गया, इसमें पाताल पे थोड़ा सा कम तिरछा करें, थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ ये अच्छा है, और यहाँ भी थोड़े से झोल को कम करें, बस बाकी काम तो आपको बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये साइमा का काम है, थोड़ा सा इसको ट्रीम करें, इसको थोड़ा सा शार्प स्ट्रोक लेके जाएं, गोलाई में आ रहा है सुलस की तरह, ऐसे लेके जाएं, ये बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत दाल में यहाँ नोक ना निकले, रॉ इंतहाई खूबसूरत है, इस रॉ को थोड़ा सा जल्दी बनाएं, छोटा बनाएं, तो थोड़ा सा झोल लेके आए, थोड़ा सा छोटा करें, और इससे अच्छा बनाया आपने, यहाँ बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब माशाल्लाह तबारकअल्लाह। बाद उसको तिरछापन ज्यादा हो गया, जरा उसको देखिएगा, तो मैमा का काम है, जिम वगैरह बनाए भाई, इंतहाई शानदार, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब माशाल्लाह, यहाँ थोड़ा सा हाथ हिल गया, यहाँ बेहतर है, यहाँ ज्यादा नीचे चला गया, यहाँ ज्यादा ऊपर आ गया, जिम अच्छा है माशाल्लाह, इसकी अच्छा है, आगे बढ़िएगा। पान भाई का काम है, इसको थोड़ा सा कम करें, ये ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दें, इसको थोड़ा सा आगे लेके आए, सीधा लाएं, आपके लिए बहुत ज्यादा उधर ना जाए, यहाँ सीधा लाए, और ये दाल और बा के दरमियान फासला ज्यादा हो गया, ये मोटा और ये पतला हो गया, ये अच्छा है, राख को आखिर से यूं कीजिए, अच्छा हो गया, इसको थोड़ा सा लंबा कीजिए और इसको थोड़ा सा छोटा करें, ये अच्छा है, इसको फौरन से सीधा करके नीचे की तरफ, इसका ख्याल रखें, ये बाहर जा रहा है, तो जीम आपके काबिल गौर है, और बा के बाद अलिफ और बा के बाद दाल और लंबी बात, अब ये रॉ, इसको देखिएगा जरा, बस फायजा का काम है, बहुत खूब, इसके झोल को थोड़ा कम करें, इसको टकराएं इसके साथ, अच्छे हैं माशाल्लाह, इनका ये हिस्सा थोड़ा सा आगे निकल गया, बड़ा बन गया, बाकी खूबसूरत है, काफ लाम नून, अच्छा जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा है माशाल्लाह, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, इसको छोड़ के इस पे काम कीजिए, बाकी अल्फाज आपके बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह,
ये किन का काम है भाई? सर मेरे ख्याल में ये मैं मरियम का इससे को छोटा करें, यानी बाघ को लंबा बना दिया आपने, फिर इस हिस्से को भी छोटा करें, इसको राजस्थान में आने पास करें। ये बहुत ऊपर चला गया, फिर ये होता होके नीचे आया, फिर नीचे से शुरू हुआ, तो ऐसा नहीं है, पतली सी एक लाइन आती है। बाजी थोड़ा सा ज्यादा पीछे हो रह गया, थोड़ा सा आगे लाए, इसको थोड़ा सीधा करें, यहाँ नोकनी आनी चाहिए, फिर डाल बनाए, ये बहुत अच्छा है। वाह, बहुत लंबे लंबे नीचे नीचे गोल गोल जा रहे हैं, ये अच्छा है, ये वाले अच्छे हैं। बस ये जो कशीदा वाला और ये छोटा वाला, इसमें आपने काम करना है, ये बहुत बड़े बड़े भी हो गए हैं और अजीब से लग रहे हैं, और बा बा के पहले जोड़ में, इसको खास तौर पर देखिएगा। आखिर में फिर उमैमा का काम है, इसमें दाल है, दाल शानदार है, दाल की बात ही कुछ और है। अच्छी वस्तु है माशाल्लाह मुमताज। अच्छा जी, और किसी का काम तो नहीं है चेक होने को? अच्छा का हमारे पास जो आप लोगों का सबक था वो यहीं तक सर मेरे ख्याल में शायद मेरा काम नहीं हुआ है चेक। आपका काम भी हो गया इरफान भाई। इरफान भाई माशाल्लाह आपकी साहबजादी का काम देखा हमने स्कूल में, और जी जी बड़ी बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश। बहुत शानदार काम है, और अल्लाह ताला ने उनके हाथ में वो रखी है बात, तो उनको बिल्कुल आप कंटिन्यू करवाइएगा आगे। इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर। बड़ी खुशी हुई मेरी तरफ से, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अल्लाह ताला ने आपको के बच्चों को चुना है इस काम के लिए, तो बड़ी बड़ी खुशी हुई मुझे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन, उनको जिसे कहते हैं कि सदका जारिया बनाए उनको आपके लिए। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी सर, वो आप प्लीज वो जो हा है ना, जो तीन इकट्ठी आती है, इब्तदाइया वस्तिया और आखिर में जो आती है, उसकी प्लीज प्रैक्टिस करा दें, कोई इजी वे बता दें, वो बड़ी मुश्किल लग रही है मुझे। अच्छा जी, चले देखते हैं दोबारा। अच्छा तो मिस आसिया, आपने पूछा था कि कलम थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, यानी जैसे अगर आप गौर करें तो आगे से जैसे ये थोड़ी सी इसकी शार्पनेस कम हो गई है, जी सर, ये बिल्कुल थोड़ा सा सीधा शार्प नजर नहीं आ रहा। एक तो ये कि कलम आप लोग साफ सुथरा रखा करें, आप जब भी लिखें उसके बाद टिश्यू से उसको अच्छी तरह पोंछ लें, और अगर उसमें बहुत ज्यादा स्याही जम गई है तो उसको फिर गीले टिश्यू से ये वाइप्स वगैरह से उसको
अच्छी तरह साफ करें ताकि उसकी शार्पनेस बरकरार रहे, वो देर पा चले। दूसरा ये कि आपने करना यह है कि एक शार्प कटर लेना है, तो थोड़े से फासले से जिस एंगल पे वो कटा हुआ है उससे थोड़े से, यानी मैंने तकरीबन 0.5 मिलीमीटर के फासले पे ये कटर रखा है, और मैं उसको उसी एंगल पे रहते हुए ये कट कर दिया मैंने। ये उसका ये पीस ये निकल गया और कदम थोड़ा सा शार्प हो गया। ये आप देखें, अब इसकी शार्पनेस कुछ और है, और फिर भी थोड़ी सी अगर शार्पनेस रह जाए तो आप जरा बिल्कुल जीरो साइज का सैंड पेपर लेके उसके थोड़ा सा इसको रब करें। सर ये ना कट करना ही मुश्किल लगता है, काट मैंने कोशिश की थी लेकिन वो कटता नहीं है सही तरह, या तो हाथ का प्रेशर नहीं सही पड़ रहा होता। सेम आप हेयर सर, रेफर कलम खराब हो तो जाता है। तराशने में मसला नहीं होता लेकिन कट लगाने में ना सबसे ज्यादा मसला होता है। बस ये तो ये मसाइल तो रहते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इन सर मसाइल को यही हल करें। टेक्निक हम जावी कलम में भी यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो थोड़ा सा बिल्कुल बनिस्बत इसके मजबूत होता है। सर जावी में भी यूज कर सकते हैं वो, लेकिन जावी जरा एहतियात से करना पड़ता है उसमें, क्योंकि आपको पता है उसकी टिप वो छोटी सी होती है आगे, तो बार बार तराशने से फिर वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। भेजिएगा कलमों की तस्वीर भेजिएगा आप, तो मैं अंदाजा होगा मुझे। जी ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूंगी। इसका जो आधा हिस्सा है यहाँ पर कदम रखें, ये देखिएगा जी ये अलग लाइन है, ये सीधी लाइन है, नीचे ये आ रही है ऊपर से, और यहाँ से अब ऐसा लगेगा ये एक ही लाइन, फिर
एक चीज याद रखें कि जितना आप, अच्छा पहले मैं हाँ बना दूं, या इस तरह से आप खोला आपने कलम, यहाँ पर एक नोक नजर आ रही है, यहाँ पर एक नोक नजर आ रही है, इसके नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, पहले ये, फिर ये नीचे, फिर यूं, फिर और ये, और इसको हम नीचे से भी बना सकते हैं, ये किया, फिर ये किया, फिर ऊपर, और फिर नीचे से सही बनता है ज्यादातर। और पहले वाली और यहाँ मैं सेकंड आप, वाली मुश्किल लगती है मुझे। पहले वाली शक्ल दाल की तरह है, ये दाल की तरह है, इसको अच्छा थोड़ा सा यहाँ से मोटा कर देते हैं, लाम अलिफ की तरह जो हम ये और ये स्ट्रोक लेके आते हैं, तो ये यहाँ पर उस तरह की मोटाई आ जाती है। फिर पूरा कलम रख के हल्की सी गुलाई के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी जाते हैं और कलम को उठाते भी हैं, ये ऊपर भी गए, कलम को पतला भी किया। ठीक, और फिर इसके दरमियान में, ये जो दरमियान है, ये उठा के एक तो ऊपर टकराया, ऊपर टकरा के दरमियान से निकाला, यहाँ आके रुक गए, यहाँ रुक जाना है आप, यहीं से आपने ये नया स्ट्रोक। वो मिल जाएगा आपस में खुद ही। अच्छा जी, या में ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये इसके एक हिस्से के बाद ये उठना शुरू हो जाता है, इस तरह काफ में होता है। तीन हिस्से है ना, तो एक हिस्से के बाद ये उठना शुरू होता है। लाम अलिफ में बराबर है, ये गुणाई के साथ जी। बा अलिफ में अपनी गलतियां देखें, पहली गलती ये बड़ा बना रहे, दूसरी गलती इसको ज्यादा घुमा रहे, तीसरी गलती इसमें और इसमें फासला ज्यादा रख रहे, चौथी गलती इसको बहुत ज्यादा तिरछा बना। ये आमतौर पर आपकी गलतियां आज देखी गई हैं, तो अपनी अपनी गलती नोट करें क्या गलती थी। एक तो इसको एक नुक्ते का बनाएं, फिर ऊपर से नीचे थोड़ा सा और ऐसा ऐसा इसको खोला, ऐसे बनाएं, बिल्कुल सीधा भी नहीं है, बिल्कुल नीचे भी नहीं, यहाँ ये गलती आ रही थी। अब ये नीचे तो आ रहा है हल्का हल्का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कलम को खोल रहे हैं हम दाल की तरह, अब ये थोड़ा सा बिल्कुल सीधा भी नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है, ये काम करना। दूसरा ये कि बा में यहाँ भी ये बना रहे हैं, ये तो ये बिल्कुल छोटा बना रहे हैं, या ये बिल्कुल ऊंचा बना रहे हैं, तो ये दोनों काम नहीं हो। फिर तीसरी चीज जो देखी गई कि यहाँ मोटा करके नीचे लाए और फिर ये बनाया, तो ये चीज तो बल्कि यहाँ एक नुक्ता पूरा का पूरा आ जाए, फिर पतली सी नोक करके ये करना, यानी ये आएगा भाई, ऐसे नहीं आएगा। इस चीज को नोट करें। दूसरी चीज बाजी में जो सबकी आमतौर पर गलती थी, अब यहाँ ये हिस्सा लेके आते हैं, फिर ये नीचे से लेके आते हैं, तो ये और ये अलग है एक नुक्ते का, और ये अलग है, ये बहुत मोटा हो जाता है, या फिर ये लाके यूं करते हैं तो तब भी ये बहुत मोटा हो जाता है, या फिर ये लाके ऐसे कर दिया तो ये नोक निकल गई, ये भी गलत है।
ये तो या की तरह बनेगा, फिर नीचे नहीं रखना, यही ऊपर रखना है, जहां ये रुका इसी के ऊपर से। इसका एक तरीका ये भी करते हैं असाध्य के शुरू ही से, ज्यादा आ जाती है, शुरू ही से इसको छोटे लें, इसको शुरू ही से छोटा बनाया, यानी ये काम नहीं किया, ये नहीं किया। अब जब हम जीन बनाते हैं ना, तो इसको यहां से लेके आते हैं, तो ये खुद बहुत इसमें इमर्ज है। फिर जीन में ये मोटा गोल, ये थोड़ा सीधा, इधर इस चीज का ख्याल रखें और इसको बराबर। फिर जो दाल में मिस्टेक्स आ रही हैं, वो भी बा अलिफ वाली मिस्टेक्स हैं दाल में, और कहीं कहीं ये ज्यादा लंबा कर दिया और कहीं कहीं ये ज्यादा तिरछा कर दिया, तो ये दोनों काम नहीं चलेंगे। और यहाँ पर जो आप लोग ये जो नोक बना रहे हैं, ये भी नहीं बने। ये जो नीचे वाली नोक है ना, इसके बराबर आके ये वाला बा अक्सरियत अच्छा बना रही है, जबकि इस बार में इसको हल्का सा ये लेके आना, और एक नुकता आ जाए, फिर इसको थोड़ा सा नीचे लाए, बस ये नीचे लाकर इतनी सी जगह नजर आए, यानी सिर्फ इतना हिस्सा नजर आए, और ये या तो बहुत तिरछा ले जाते हैं, या तो बहुत लंबा ले जाते हैं, या बहुत गोल कर देते हैं, ये तीनों काम ना हो, और ये बड़ा भी ना हो और ये ऐसे भी ना हो। आखिर में चेक करूंगा, क्योंकि आपने बहुत लेट काम भेजा है। अच्छा जी, जो कशीदा बा बना रहे हैं, वो झोल को जरा मद्देनजर रखें। यहां से देखा जाए तो एक पत्ता और बिल्कुल सीधा भी नहीं है, बहुत ज्यादा झोल भी नहीं बा की तरह। अच्छा, इसको लेके आए नीचे, ये भी यहाँ भी हल्का से ही नजर आया, ये रॉ की तरह बनाएंगे इसको भी। आप बहुत लंबा या बहुत गोल या बहुत तिरछा कर देते, इसका भी ख्याल रखा जाए। यहां से ये दो नुक्ते हो और ये एक नुक्ते का।
ये आप लोगों की मिस्टेक्स थी और इनको जरा सामने रखें, आगे बढ़ते हैं और आगे का आपको काफी सबक देना मिले। तो 7 किस्म के, बाकी बाकी 5 किस्म एक शक्ल ये थी, एक शक्ल ये थी, एक शक्ल ये थी, एक शक्ल ये थी, एक शक्ल ये थी और एक शक्ल ये, 7 किस्म के हमने विवाह पढ़ लिए थे। आज हम बा की एक और शक्ल पढ़ेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ बा सीन के साथ होती है और ये जो शक्ल होती है ये आपकी तीन नुक्तों की होती है, ये हमेशा सीन से पहले। इसको आहिस्ता आहिस्ता पतला कर देते हैं और इसको कभी कभी ऐसे ये शुरू से मोटा करके दाल की तरह फिर भी ऐसे भी लाते हैं और इसको कभी कभी ऐसे भी लाते हैं, यानी रुख वही रहता है, जाविया वही रहता है, सिर्फ ये जो स्टार्टिंग है यहाँ से ज़रा चेंजेस है। एक ये है कि आप सिंपल लेके आए, यानी ये इतना लेके आएंगे यहाँ पर एक नुक्ता आ जाएगा। दूसरी चीज़ मोटा करके, ऐसे मोटा करके यानी ऐसे रख के नीचे वाली नोक अंदर की तरफ घुमाई और फिर ये लेके आए। दूसरा ये कि यही चीज़ करते हैं लेकिन उसमें एक लाइन ये लगा देते हैं, जैसे आपने बिस्मिल्लाह में अक्सर जगह देखा। तो ये बा सीन में ये बा इस तरह से बनाते हैं, दूसरा फिर इसमें ऊपर चले जाते हैं, जल्दी ऊपर चले जाते हैं। जो बा में आप लोग गलती कर रहे थे ना जल्दी जाने की, वो गलती आप लोगों ने सीन में करनी है ताकि वो दुरुस्त हो जाए। ऊपर जल्दी जाना है, फिर उसके बाद प्रॉपर यहाँ कलम रख के नीचे आना है सीधा, फिर ये करके पूरा सीन बना दे। देखें ये छोटा होता है हिस्सा, ये एक नुक्ते का और फिर ये डेढ़, ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, 3 नुक्ते आ गए यहाँ, एक नुक्ता आ गया, 3 नुक्ते का यहाँ तक है, चौथा नुक्ता इसका, ये बा सीन है। अब इससे पहले बा इसलिए बड़ा बनाते हैं, अगर बा यहाँ छोटा होता तो पता ही नहीं चलता कि भाई बा का शोषा कौन सा सीन का, सारे एक जैसे, तो बड़ा कर दिया। तो ये बा की आठवीं शक्ल पढ़ ली, बा को जी नोट सर, कर। सर ये पहला वाला हाफ कितना होगा? हाँ यहाँ
तो जो भाग है पहला अब हिस्सा तो वो हम लोग पढ़ने आंसर जाते हैं वो। से ये हाफ नुक्ते का जैसे आप बड़ा वाला बा बनाने जा रहे होते हैं, तो वही चीज आपने बनाई और बस ये किया कि ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 नुक्ते आगे आए, 4 नुक्ते आगे आए, उसके बाद आपने सॉल्व बना दिए। तो 3 नुक्ते इसके और चौथा नुक्ता ये, तो ये 4 नुक्ते। जैसे ही अब ये ऊपर से आएंगे, तो ऊपर से जैसे ही आए तो ये वाला स्ट्रोक ये ऊपर से आने वाले स्ट्रोक में मर्ज हो गया, यहाँ जाके दोनों 1 हो गए। अब 1 हुए तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद प्रॉपर हमने सॉल्व बना दिया, यहाँ इसमें और इसमें 1 नुक्ता फंस जाए। तो ये वही 7वीं शक्ल है सौद वाली, बा वाली, बा कशीदा है असल में। तो ये 4 नुक्तों का बन फिर देखें आपका ज्यादातर वो ये वाला बा इस्तेमाल होता है बा की तख्ती में। ये देखिए अच्छा जी, तो माइक ऑफ कर लीजिए। सौ में भी यही होता है, यहाँ देखे आए यहाँ के मिल गया, ये 1 नुक्ता फंस गया, यहाँ पर ये फासला नजर आता है, ये तो हो गया। सर, ये तकरीबन बराबर आएंगे एक ही लेवल पे। बार स्वाद थोड़ा सा नीचे है और तो जरा ऊपर जा रहा है। अभी बताता हूँ मैं, जब हम छोटा बनाएंगे छोटा तो ये बराबर ही होता है। जब हम बनाते हैं बा से पहले कशीद, ये पूरा बा है बड़ा वाला 9 नुक्तों का, अब जो है तो जरा ऊंचा हो जाएगा, और पा इसके दरमियान में आके टकराएगा, यहाँ पर फासला नजर आएगा। वैसे आप बा और पा को एक जैसा ही लिखेंगे। ठीक है जी, ये अब यहां से तो 1.5 नुक्ता, फिर यहां से पूरा 6 नुक्ते का हो जाता है, और ये लाइन नीचे रहती है, ये थोड़ा सा ऊंचा रहता है इससे। ये बात हो जैसे कि मैंने बताया था कि अलिफ से पहले तो से पहले रा से पहले और मीम से पहले ये कशिश आती है, तो ये वो वाली कशिश है। इसी तरह हम सीन को और सौत को कशीद भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे लाए, यहां से हम इसकी कशिश करें। ये कशीद हो गया, कशीद के अंदर कशीद चीज आती है, कशीद के अंदर कशीद चीज आती है, यानी कशीदा कशीदा दायरों के अंदर कशीदा अल्फाज ही आते हैं, या ऐसे अल्फाज आते हैं जो इस लाइन पर सीधे सीधे लिखे जा रहे हैं, ज्यादा नीचे जाने वाले अल्फाज नहीं आते हैं। ये बात आप लोग समझ गए। अब वैसे तो अब ये इसमें स्वात का ताज भी नहीं है, स्वात की जुल्फ, हम अगर स्वात को स्वात कभी जुमले के शुरू में आ जाए
या सात कभी जुमले के दरमियान में आ जाए। तो ये सात की ये जुल्फ निकलती है, तो स्वाद आखिर में आ जाए या स्वाद अकेला लिखा जाए तो स्वाद की जुल्फ नहीं निकल। बात में मैंने बताया कोई भी कशिश या तो वो 12 नुक्तों की होती है और कम से कम 9 नुक्तों की होती है। ये तो ये 6 और 3 9 नुक्तों की है और ये 12, तो 9 12 15। हाँ ये 9 नुक्ते हो गए, यहाँ ये 12, यहाँ ये 6 नुक्ते हो गए। और इसको मिलाया जाए तो 9 नुक्ते हो जाते हैं, ये फला 6 नुक्ते। अच्छा जी, जुल्फ आईन आपके लिए ऐसी चीज है जो के नहीं है, यानी मुफरदात में कुछ और तरह का आईन था और मुरक्कबात में आइन की शक्ल कुछ और है, बिल्कुल ही चेंज। उसके लिए बा अलिफ वाला ही बा बनाएंगे आप, तो या के जो बा की शक्ल है। अब सीन में जिस तरह हम ऊपर करते हैं ऐसे बा के बाद सीन, उसी तरह इसको भी ऊपर लेके जाते हैं इस नोक तक, ऐसे यहां मिला के रोक रहा हूं। ये 1 नुक्ते का बनाया, और जब इसके साथ मिल जाता है ये तो पूरा का पूरा 2 नुक्तों का हो जाता है। इसको ऐसे उठा दिया, इस तरह से पतला कर दिया, जिस तरह हम हाँ में ऐसे पतला सा करते हैं ना, उसको मोटा मोटा करके पतला करते हैं, इसको भी हम ऐसे पतला ले जाएंगे इस तरह से। और जब इसके बराबर पहुंचेंगे तो यानी ये 2 नुक्ते लाने के बाद, समझे इसको, ये 2 नुक्ते लाने के बाद यहाँ मैं रोक रहा हूँ दोबारा, फिर यहाँ रखेंगे कलम तिरछा। ये जो बनाया आधा ऊपर इसके और आधा थोड़ा सा, ये बनाने के बाद मैंने ये किया, बिल्कुल इससे टच करते हुए ये किया, यहाँ रोक रहा हूं मैं, और ये मैं वापस लेके आया हूँ, यहाँ 1 नुक्ता आया और फिर इसके बराबर। इसको ऐसे हम जोड़ देंगे, इसमें यहाँ पर 2 बातें हैं। एक बात यह है कि मैं इसको यहाँ पर इसके साथ ऐसे मिलाऊं कि इसकी चोंच ना बने, और ये ऐसे होके आ जाए और इसकी यहाँ पर चोंच ना बने। और एक यह है कि हल्की सी ये जो चोंच आपको नजर आ रही है यहाँ पे, हल्की सी चोंच बन जाए, यहाँ पर चोंच नहीं है और यहाँ पर चोंच ये हल्की सी चोंच, ये दोनों तरीके दुरुस्त है, ये ज्यादा अच्छी लगती है। ये जो आइन का ऊपर का हिस्सा होगा ये भी 2 नुक्तों का होगा, तो थोड़ा सा बाहर आएंगे यहाँ से यहाँ तक देखें तो मैं बताया कि 1 नुक्ता आपने ये आइन डिलीट करना, आधा नुक्ता आधे नुक्ते से भी कम, 1/2 नुक्ता ये आइन से थोड़ा सा ऊपर होता है। आइन समझ में आ गया सबको? ये होगी बात। अच्छा अब जो फा इस तरह इसी तरह जी,
अब इसी तरह से है। सर काफी नहीं है। काफी इसलिए नहीं है कि मैं आइंदा 2 क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, जरा मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा सबक तो मिलना चाहिए आप ओके लोगों सर, को। अरे ये कौन सा वाला सबक है, लेसन वाला या सजा वाला? जी नहीं, लेसन वाला। जी अब लेसन इंग्लिश में वो भी सबक लेसन वाला ही होता है, तो दर्स कह रहा हूँ, थोड़ा सा दर्स मजीद लंबा हो जाए। तो ये देखें, ये आइन की तरह ही है। अब इसमें क्या करना है, हमने ये यहाँ आइन नहीं बनाना बल्कि ऊपर रखना है, कलम ये लेके जाके ये किया और ये किया। अगर आप गौर करें तो ये वो दो चश्मी हाँ ही है। समझ आया, ये वो हा ही है। अब इसको यहाँ टच जी करके ये फा बनाते हैं, ये यहाँ पर ये चीज दिखनी चाहिए, ये बा फा हो गया, बा और फा, ये इस तरफ जाएगा। ये जो ये तो अंदर के दो किनारे ही है, ऐसे जाए। ये उठान ऐसे जा रही है। फिर देखें, पतला मोटा फिर मोटा पतला, यहां लाके रोक दिया। अब यहीं से अंदर से ये पूरा का पूरा बा बना, हाँ ये जी, फा। अब आ जाते हैं ऑफ की तरफ। सर फा का जो अच्छा, ये दरमियानी वाला हिस्सा है जो आइन उसमें की आगे जो ये वाली जी है, इसको देख रहे हैं, जो हिस्सा ये नीचे है, ये उससे ऊपर है, यहाँ नुक्ते फंस जाएंगे। आवाज आपकी भी बहुत कट रही है, मेरा नेट भी आज डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है। यहां तक काफी है, और आप मुफरदात भी मुकम्मल करें, पक्के करें और इसको यहां तक लिखें। यस सर। क्योंकि सर एक पिछला मुकम्मल क्वेश्चन होगा। जी सर, इस बा और फा में जो फा की आंख को तो नहीं ना इसमें आधा बंद करना, ये उतना ही गैप रहेगा? हाँ, इसकी आंख को बंद नहीं करना, ठीक है सर। आंख खुली रहेगी, आँख खुली रहेगी, ये मैंने बताया नहीं है। सर तो फा की आंख में तो रूप नुकता में नहीं है? नहीं,